अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेट हर्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है फेमस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पीपल। लेक्चर 5 है ये हमारा ICT का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। फेमस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब पीपल क्या, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत फेमस हैं। इसका तो बहुत से लोग हैं जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत फेमस हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नेम है जिनमें नंबर 1 है स्टीव जॉब्स, नंबर 2 टिम बर्नर्स-ली, नंबर 3 बिल गेट्स, नंबर 4 जेम्स कॉस्लिंग, नंबर 5 लिनक्स टॉर्वाल्ड्स, नंबर 6 रिचर्ड स्टॉलमैन, नंबर 7 आर्थर सी क्लार्क, नंबर 8 टेड कॉर्ड, नंबर 9 स्टीव शेरली, नंबर 10 मार्था लेन फॉक्स। ये कुछ फेमस पीपल हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, जिनके बारे में हम फर्दर डिटेल आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब कौन है? स्टीव जॉब्स द को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर के को फाउंडर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, मतलब बानी भी हैं उनके, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं स्टीव जॉब। स्टीव जॉब वॉज बॉर्न इन 1955 इन सैन फ्रांसिस्को एंड ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर ही शोड हिज अर्ली एंथुसिज्म फॉर कंप्यूटिंग बाय अटेंडिंग आफ्टर स्कूल लेक्चर्स एट द हॉलेट पैकर कंपनी इन पालो आल्टो कैलिफोर्निया। जॉब 1955 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे। इन्होंने अपने हाई स्कूल, ड्यूरिंग हाई स्कूल एजुकेशन, इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था इन कंप्यूटिंग। कैसे शो, किस तरह से पता चला कि उन्होंने किस तरह से कंप्यूटिंग में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे? उन्होंने अपने स्कूल्स के बाद हॉलेट पैकेट कंपनी में, जो कि पालो एल्टो है, आल्टो कैलिफोर्निया में, उसमें लेक्चर्स देने स्टार्ट कर दिए थे कंप्यूटिंग के। ही मेट फेलो एप्पल फाउंडर स्टीव वॉजनिक ड्यूरिंग अ समर जॉब एट HP। HP में समर जॉब के दरमियान ये स्टीव वॉजनिक से भी मिले। इन द ऑटम ऑफ 1974 जॉब्स हु हैड ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आफ्टर वन टर्म बिगेन अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द होम ब्यू कंप्यूटर क्लब विद वॉजनिक। 1974 में ऑटम में जॉब्स ने एक आफ्टर वन टर्म, अपने एक ही टर्म गुजरा था उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? अपने दोस्त वॉजनिक जो उनके पार्टनर भी थे, उनके साथ होमव्यू कंप्यूटर क्लब में मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर दी। ही टुक अ जॉब एज अ टेक्नीशियन एट अटारी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉपुलर वीडियो गेम्स। उन्होंने अटारी में एज अ टेक्नीशियन एक जॉब की, क्या था, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉपुलर वीडियो गेम्स, जो कि वीडियो गेम्स, पॉपुलर वीडियो गेम, जो बहुत मशहूर वीडियो गेम्स होते हैं, एज अ उनके मैन्युफैक्चरर के तौर पर उनको वहाँ पर हायर किया गया। At the age of 21, Jobs saw a computer that Wozniak had designed for his own use and convinced his friend to market the product. जब वो 21 के थे, उन्होंने देखा, जॉब ने देखा, जो उनके दोस्त है वॉजनिक, उन्होंने एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया हुआ जो उनके अपने यूज़ के लिए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त को कन्विंस किया कि आप इसको मार्केट करें, अपने प्रोडक्ट को, मतलब इसको मार्केट में ले जाएँ, इसको सेल करें, मार्केट में इसको दिखाएँ। एप्पल कंप्यूटर वॉज फाउंडेड एज अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 1976 में एप्पल का एक पहला कंप्यूटर फाउंड हुआ, बना। थो द इनिशियल प्लान वॉज टू सेल जस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, उनका इनिशियल प्लान यही था सिर्फ कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएंगे, उसको सेल आउट करेंगे। जॉब एंड वॉजनिक एंडेड अप क्रिएटिंग अ बैच ऑफ कम्प्लीटली असेंबल्ड कंप्यूटर एंड एंटर द पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस। लेकिन जॉब्स और वॉजनिक ने इसके क्रिएट की एक पूरी बैच ऑफ कम्प्लीटली असेंबल कंप्यूटर, मतलब कंप्लीट असेंबल था कंप्यूटर, पूरा एक कंप्यूटर। उन्होंने सोचा यह था कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कंप्लीट कंप्यूटर डिज़ाइन करके दिया और उसके बाद वो पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस में बिजनेस के तौर पर एंटर हो गए। देयर सेकेंड मशीन द एप्पल टू वॉज इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग ईयर एंड बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। इनकी सेकेंड मशीन थी एप्पल टू, उसी वॉज इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग ईयर बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। उसी साल उनकी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसमें इनको बहुत सक्सेस मिली। एप्पल एक पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर के तौर पे
सामने आए। स्टीव जॉब्स डाइड ऑन 5 अक्टूबर 2011 आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर, बट हिज प्लेस इन कंप्यूटिंग हिस्ट्री इज ग्रांटेड। स्टीव जॉब 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हुई कैंसर की वजह से, लेकिन इनके कंप्यूटर हिस्ट्री में अभी भी वही जगह है जो तब थी। नेक्स्ट हमारे पास टिम बर्नर्स-ली। .com, bloggers and Google all have one man to thank for their place in the 21st century world. क्यों इन सब को थैंक करना चाहिए टिम बर्नर्स-ली को? 21st सेंचुरी में जितनी भी इनकी जगह हैं .com, bloggers और Google की, इन सब को टिम बर्नर्स-ली का थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? इन 1990 टिम बर्नर्स-ली मेड द इमेजिनेटिव लीप टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज बॉर्न। 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने एक ऐसा इमेजिनेटिव, मतलब ख्याली तौर पर उसने बताया कि इंटरनेट को हाइपर टेक्स्ट के साथ कंबाइन किया जाए ताकि वर्ल्ड वाइड वेब्स बनाई जा सके। He was born in 1955 in London. Berners-Lee's parents were both mathematicians. Who were employed together on the team that built the Manchester Mark I, one of the earliest computer. Berners-Lee के जो parents थे वो mathematician थे, जो कि इकट्ठे काम करते थे एज अ टीम मैनचेस्टर मार्क में। मैनचेस्टर मार्क वन क्या? वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर है। आफ्टर अटेंडिंग स्कूल्स इन लंदन, बर्नर्स-ली वेंट ऑन टू स्टडी फिजिक्स एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वेयर ही बिल्ड अ कंप्यूटर विद अ सॉल्डरिंग आयरन डिटेल गेट्स ऑन एन M6800 प्रोसेसर एंड एन ऑल टेलीविजन। स्कूल में, लंदन में स्कूल अटेंड करने के बाद जब बर्नर्स-ली कहाँ चले गए? स्टडी फिजिक्स एट क्वींस कॉलेज। क्वींस कॉलेज में बर्नर्स-ली ने फिजिक्स स्टडी की। वेयर ही बिल्ट अ कंप्यूटर विद अ सॉल्डरिंग आयरन, जहाँ पे इन्होंने सॉल्डरिंग आयरन को, टीटीएल गेट्स को, M6800 प्रोसेसर को और ऑल टेलीविजन को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को बिल्ड किया। वाइल एट ऑक्सफर्ड He was caught hacking with a friend and was subsequently banned from using the university computers. ऑक्सफर्ड में ही इन्होंने अपने किसी दोस्त को की हैकिंग की, जिसकी वजह से इनको कंप्यूटर, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर यूज़ करने से बैन कर दिया गया कि ये यूज़ नहीं करेंगे। इन्होंने 1976 में एज अ प्रोग्रामर प्लेसी टेलीकम्युनिकेशन, टिम बर्नर्स ने एज अ प्रोग्रामर इन 1976 प्लेसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में भी काम किया एंड इन 1980 बिगेन वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एट द यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सन। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर इसने यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सन में भी काम किया। इन दिसंबर 1980 बर्नर्स-ली प्रपोज्ड अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट टू फैसिलिटेट शेयरिंग एंड अपडेटिंग इंफॉर्मेशन अमंग रिसर्चर्स। 1980 में बर्नर्स-ली ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया जिसमें उसने हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दिया। क्यों दिया? ताकि फैसिलिटेट कर सके रिसर्चर्स को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर और अपडेट कर सकें। वाइल देयर ही बिल्ट अ प्रोटोटाइप सिस्टम कॉल्ड इंक्वायर, इसी दौरान उसने एक अपना प्रोटोटाइप सिस्टम बनाया जिसका नाम है इंक्वायर। ही जॉइंड सन ऑन फुल टाइम बेसिस इन 1989, CERN was the largest internet node in Europe and Berners-Lee saw an opportunity. 1984 में टिम बर्नर्स ने completely CERN को join कर लिया। CERN was the largest internet node in Europe. I just had to take the hypertext idea and connect it to the TCP and DNS idea, he said, and the World Wide Web was born. इसने क्या कहा? Berners-Lee saw an opportunity. इसने क्या कहा? I just had to take the hypertext idea. उसने कहा मुझे सिर्फ एक hypertext का idea है
इसने सिर्फ हाइपर टेक्स्ट आईडी को टीसीपी एंड डीएनएस आईडियाज के साथ कनेक्ट करके एक वर्ल्ड वाइड वेब जनरेट की. ही रॉट हिज इनिशियल प्रपोजल इन मार्च 1989 एंड इन 1990 विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट सेल्यू प्रोड्यूस्ड अ रिवीजन विच वॉज एक्सेप्टेड बाई हिज मैनेजर माइक सिंडर. इसने मार्च 1989 और 1990 में एक इनिशियल प्रपोजल तैयार किया विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट सेल्यू. उसके बाद एक रिवीजन प्रोड्यूस करवाया विच वॉज एक्सेप्टेड बाई हिज मैनेजर माइक सिंडर. He used similar ideas to those underlying the Inquire system to create the World Wide Web, for which he designed and built the first web browser and editor. इसी तरह के इसने similar ideas को use करते हुए अपने Inquire system जो था उसको use करते हुए एक create की World Wide Web, for which he designed and built the first web browser and editor. कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिवेलप्ड ऑन नेक्स्ट स्टेप. जिसका इसको वर्ल्ड अपने इंक्वायर सिस्टम को यूज़ करते हुए इसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाई जिसको आप वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं. एंड द फर्स्ट वेब सर्वर कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमो. फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब भी बनाई और साथ ही साथ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमो भी क्रिएट किया. द फर्स्ट वेबसाइट बिल्ट वॉज एन HTTP. दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट लिंक एंड वॉज पुट ऑनलाइन ऑन 6 अगस्त 1991. इसने ये फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट की थी और जब और 6 अगस्त 1991 को इसने ऑनलाइन मतलब कि कोई भी एक्सेस कर सके उनके लिए सबके लिए अवेलेबल किया था. द URL इज स्टिल इन द यूज टूडे. URL अभी भी यूज हो रहा है. इट प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, हाउ वन कुड ऑन अ ब्राउजर एंड हाउ टू सेट अप अ वेब सर्वर. इट वॉज ऑल्सो द वर्ल्ड फर्स्ट वेब डायरेक्ट्री सिंस बर्नर्स ली मेंटेन्ड अ लिस्ट ऑफ अदर वेबसाइट्स. ये वेबसाइट में उसने क्या बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में उसने इंट्रोडक्शन बताया था कि किस तरह से आप इसको सेटअप कर सकते हैं वेब सर्वर का. नेक्स्ट हमारे पास बिल गेट्स एज जॉइंट फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. ये सबको पता है कि जॉइंट फाउंडर है, बानी है, मतलब सब इसमें एक बिगेस्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट. इसका जॉइंट फाउंडर है बिल गेट्स. अप्रोच टू टेक्नोलॉजी. बिल गेट्स अप्रोच टू टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस वॉज टू मेंटर इन मेक टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द मैसेज. बिल गेट्स लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करना उसको अपनी बिजनेस में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत मददगार कह सकते हैं आप साबित हुआ है. गेट वॉज बॉर्न इन सीटल वॉशिंगटन इन 1955 टू द वेल्थी फैमिली. हिज फादर वॉज अ प्रोमिनेंट लॉयर एंड हिज मदर सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फर्स्ट इंटरस्टेट बैंक एंड द यूनाइटेड वे. गेट्स जो है सीटल वॉशिंगटन में 1955 में एक अमीर फैमिली में आप कह सकते हैं पैदा हुआ था. इसके फादर लॉयर थे, मदर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी. एट स्कूल गेट्स एक्सेल इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड बाय द एज ऑफ 13 ही वॉज डीपली इंग्रॉस्ड इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग. स्कूल में गेट्स का ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो साइंस में और मैथमेटिक्स में था. लेकिन जब वो 13 की एज में गए तो उनका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा रुझान था. विद अदर स्कूल मेट्स ही बिगेन प्रोग्रामिंग एंड बग फिक्सिंग फॉर द कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन इन 1970. गेट फॉर्म अ वेंचर विद फेलो स्कूल स्टूडेंट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर्स पॉल एलन कॉल ट्रैफ और डेटा टू मेक ट्रैफिक काउंटर यूजिंग द इंटेल 8008 प्रोसेसर. अपने दूसरे स्कूल मेट्स के साथ मिलकर इन्होंने कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन के लिए प्रोग्रामिंग और बग फिक्सिंग का काम किया. उसके अलावा 1970 में गेट्स ने अपने जो स्कूल मेट्स थे या क्लास फेलोज थे उनके साथ मिलकर और माइक्रोसॉफ्ट के जो कोफाउंडर थे पॉल एलन उनके साथ मिलकर इंटेल 8008 प्रोसेसर को यूज़ करते हुए ट्रैफिक काउंटर्स बनाए जिनको आप ट्रैफो डाटा भी कहते हैं. 1973 में इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया जहाँ पर इनको अपने फ्यूचर पार्टनर बिजनेस पार्टनर स्टीव पाल्मर मिले जिनके साथ मिलकर इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
बनाया फॉर द ऑल्टेर 8800 जो कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आप कह सकते हैं। सोन आफ्टरवर्ड्स गेट्स लेफ्ट हॉर्वर्ड टू फाउंड माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद जब इन्होंने हॉर्वर्ड को यूनिवर्सिटी को मतलब छोड़ा तो फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और माइक्रो जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भी कहते हैं। गेट्स ने एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लिए काम किया। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में चला गया। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने तब ज़्यादा तरक्की की जब बिल गेट्स ने अपने एमएस और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लाइसेंस थे वो आईबीएम पीसी के मैन्युफैक्चरर्स को देने शुरू कर दिए। इसके बाद 1990s के अर्ली में बहुत सी विंडोज़ ने अपने डॉस पे जो यूआईज़ क्रिएट किए जैसे कि जैम एंड जोस जो कि सेम वैसे ही काम करते थे जैसा कि बिल गेट्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे जे यू आईज। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट पोजीशन लेने में बहुत बहुत मेहनत की। बहुत अहम किरदार है उसका कि जो बहुत से पीसीज में प्री इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट हुई होती है। इज एबिलिटी टू गेट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल ऑन द मोस्ट पीसीज शिप इन द वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस एंड गेट्स वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। इसकी एबिलिटी थी कि इसने बहुत से पीसीज में पहले ही से ही इंस्टॉल्ड हुई होती है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो होते हैं पहले से इंस्टॉल होते हैं बहुत से। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस है और गेट्स एक अमीर तरीन बंदा है। गेट्स टू डाउन एज चीफ एग्जीक्यूटिव वो माइक्रोसॉफ्ट इन 2000 टू फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑन 16 जून 2000 ही अनाउंस डेट ही वुड मूव टू पार्ट टाइम रोल विद माइक्रोसॉफ्ट इन 2008 टू फोकस ऑन हिज फिलेंट्रॉफिक वर्क। 2000 में गेट्स जो था वो चीफ माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव था। उसके अलावा उसके पास 16 जून 2006 में इसने अनाउंस किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट में एक पार्ट टाइम रोल करेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के लिए काम करना चाह रहा था। सिंस 2000 गेट्स हैज गिवन अवे अबाउट 15.5 बिलियन यूरो अ थर्ड ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। 2000 में गेट्स ने अपनी उसकी जो दौलत थी उसमें से 15.5 बिलियन यूरो जो थे चैरिटी में दिए। सच इज हिज फेम इन द वर्ल्ड आउटस्टैंडिंग कंप्यूटिंग फिक्शनल गेट्स करेक्टर्स हैव अपेयर्ड इन कार्टून इंक्लूडिंग द सिम्पसन्स साउथ पार्क एंड फैमिली गाय। सिर्फ इसकी कंप्यूटिंग में आउटस्टैंडिंग फेम नहीं था उसके अलावा इसको एज आप कह सकते हैं इमेजनरी आप कह फिक्शनल करेक्टर्स इमेजनरी करेक्टर्स भी आप गेट्स के लिए जाते थे जो कार्टून्स में लाइक सिम्पसन देख लें साउथ पार्क फैमिली गाय। नेक्स्ट है हमारे पास जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग का बहुत बहुत से लोगों में शुमार होता है जिस तरह के बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जो जिन जो जिन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। गोसलिंग ने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की थी एंड कंट्रीब्यूटेड टू सॉफ्टवेयर इनोवेशन एट टेक्निकल लेवल और टेक्निकल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया था सॉफ्टवेयर के लिए। कैलगरी कनाडा में 1955 में जेम्स गोसलिंग पैदा हुए। गोसलिंग इज बेस्ट नोन एज द फादर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गोसलिंग को जावा प्रोग्रामिंग को फादर भी कहा जाता था। ये फर्स्ट ऐसा प्रोग्रामर लैंग्वेज थी जो कि डिज़ाइन की इंटरनेट को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई थी और इसके थ्रू बहुत सी एप्लीकेशन डिज़ाइन होती हैं जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू आजकल भी हो रही हैं। गोसलिंग रिसीव्ड अ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इन 1977 एंड वाइल वर्किंग टूवर्ड इज डॉक्टरेट ही क्रिएटेड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ ई मैक्स टेक्स्ट डायरेक्ट एडिटर फॉर यूनिक्स। अपनी डॉक्टरेट की स्टडी करते हुए इन्होंने यूनिक्स का ई मैक्स टेक्स्ट एडिटर का ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया। उसके अलावा इन्होंने यूनिक्स के मल्टी प्रोसेसर वर्जन्स क्रिएट किए। बहुत से कंपाइलर्स मेल सिस्टम इन्होंने इंडस्ट्री में काम करने से पहले अभी ये ड्यूरिंग डॉक्टरेट की डिग्री में वर्किंग ऑन डॉक्टरेट इन्होंने ये सब कुछ जनरेट इन्होंने सब कुछ बिल्ड किए। उसके अलावा 1984 में गोसली ने सन माइक्रो सिस्टम को ज्वाइन किया वेयर ही इज़ करंटली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन द डिवेलपर प्रोडक्ट ग्रुप।
इसके अलावा इन द अर्ली 1990s कॉस्टिंग इनिशिएटेड एंड लेड अ प्रोजेक्ट कॉड नेम ग्रीन डेट इवेंचुअली बिकेम जावा ग्रीन एम टू डेवलप सॉफ्टवेयर डेट वुड रन ऑन अ वैरायटी कंप्यूटिंग डिवाइसेस विदाउट हैविंग टू बी कस्टमाइज्ड फॉर ईच। 1990 में गॉसलिंग ने एक प्रोजेक्ट कॉड नेम था जिसका नाम था ग्रीन, वो बनाया बेसिकली वो जावा पे था, जिसका मकसद था कि वो ये नहीं हो कि वो किसी हर किसी के लिए हर कोई उस पर कोडिंग कर सके, इस तरह की वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाई। ऑल्दो मच ऑफ द टेक्नोलॉजी डिवेलप एज पार्ट ऑफ ग्रीन नेवर सो द लाइट ऑफ डे गॉसलिंग रियलाइज्ड सम ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दे आर क्रिएटिव वुड बी वेरी यूजफुल इन द इंटरनेट एज। बहुत से ग्रीन के बहुत से ऐसे पार्ट थे जिन्होंने दिन की रोशनी भी नहीं देखी हुई थी। गॉसलिंग ने ये रियलाइज किया कि बहुत से इसके जो ग्रीन का जो फीचर्स हैं वो इंटरनेट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। बेसिकली सन ने लॉन्च की थी जावा को 1995 में, लेकिन गॉसलिंग ने उसको उसका जावा का ओरिजिनल डिज़ाइन बताया और उसको किस तरह से कंपाइलर्स में वर्चुअल मशीन्स में यूज़ करना है, ये सब कुछ गॉसलिंग ने बेसिकली सब कुछ एवेलुएट किया। इसकी इस अचीवमेंट की वजह से इसको US नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट किया गया। उसके अलावा भी इसके बहुत से सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे नेवा और गॉसलिंग ईमैक्स है उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास पीटर स्टॉलमैन इज अ फाउंडर ऑफ GNU प्रोजेक्ट एन इनिशिएटिव टू डेवलप अ कॉम्प्लेक्स यूनिक्स टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। स्टॉलमैन हैज रिटन सेवरल पॉपुलर टूल्स क्रिएटेड द GNU लाइसेंस एंड कैंपेन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पेटेंट्स। पीटर स्टॉलमैन GNU प्रोजेक्ट के फाउंडर थे, इन्होंने बहुत से यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए जो कि फ्री सॉफ्टवेयर थे। इन्होंने अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पैटर्न जिनके लिए पे करना पड़ता है या रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, उनके खिलाफ कंपेन भी चलाई। इसके अलावा इन्होंने बहुत से GNU लाइसेंस को क्रिएटेड द GNU लाइसेंस इन बहुत से सेवरल टूल्स क्रिएट किए। आर्थर सी क्लार्क स्पेस ऑडिसी राइटर आर्थर सी क्लार्क हैज़ कंसिस्टेंटली बीन ahead of his time in predicting how technology will change the world. Most notably in 1945 he suggested that geostationary satellites would make ideal telecoms relay. Arthur C. Clarke जो थे ये predict करते थे कि किस तरह technology दुनिया को change कर देगी। 1945 में suggest किया कि बहुत से geographic satellites मवासलात के लिए use होंगी जो आजकल हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेडकॉड। टेडकॉड क्रिएटेड 12 रूल्स ऑन विच एवरी रिलेशनल डेटाबेस इज बिल्ट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर बिल्डिंग बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम। टेडकॉड ने 12 रूल क्रिएट किए जिनमें हर रूल में उससे रिलेटेड डेटाबेस को इंक्लूड किया, और इसके लिए डेटाबेस बिजनेस कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए डेटाबेस एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। स्टीव शेरली वॉज एन अर्ली चैम्पियन ऑफ वुमेन इन IT। शी फाउंडेड द कंपनी नोन एज ज़ांसा, pioneered New York practices and in doing so create new opportunities for women in technology. Especially IT में women के लिए एक champion है, early champion ऐसा मतलब इन्होंने पहली हैं जो जिन्होंने IT में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा she found the company, ये ज़ांसा company की founder थी। उसके अलावा इन्होंने बहुत से ऐसे नए काम किए और वुमेन के लिए टेक्नोलॉजी में बहुत सी न्यू अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस करवाई। नेक्स्ट है हमारे पास मार्था लैंड फॉक्स विद ब्रेंट हॉबरमैन। मार्था लैंड फॉक्स क्रिएटेड lastminute.com इन 1998 एंड एज द फेस ऑफ लास्ट मिनट रेज द प्रोफाइल ऑफ ई कॉमर्स एवर हायर इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस। मार्था लैंड फॉक्स ने ब्रेंट हॉबरमैन के साथ मिलकर lastminute.com जिसकी वजह से इसको ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा पब्लिकली शोर मिला। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, तो क्लिक ऑन बेल आइकन कमेंट सेक्शन में भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।